सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथियों, आजादी के 7 दशक बाद ये अवसर आया है। 70 साल बीत गए, इससे बड़ा दुर्भाग्य भला क्या हो सकता है कि हमारी आस्था के एक बड़े केंद्र को हमें 7 दशक तक दूर से दूरबीन से देखना पड़ा। 1947 में जो बंटवारे की रेखा खींचने के लिए जिम्मेदार थे, क्या उनको ये ख्याल नहीं था कि सिर्फ 4 किलोमीटर के फासले से भक्तों को गुरु से अलग नहीं किया जाना चाहिए? इसके बाद भी 70 सालों में क्या इस दूरी को मिटाने के प्रयास कांग्रेस की सरकार को नहीं करने चाहिए थे? लेकिन कांग्रेस और उसके कल्चर से जुड़े दलों ने हिंदुस्तानियों की आस्था, परंपरा और संस्कृति को कभी मान नहीं दिया। भाइयों और बहनों, कांग्रेस का जो रवैया रहा, कांग्रेस की जो अप्रोच हमारे इन पवित्र स्थानों के साथ रही, वैसा ही तौर तरीका, वैसी ही चाल चलन, वैसा ही अप्रोच जम्मू कश्मीर के साथ भी रहा। 70 साल तक समस्याओं में उलझाते रहे, सार्थक समाधान के लिए ईमानदार कोशिश ही नहीं की गई। जम्मू कश्मीर में निर्दोष लोग मरते रहे, हरियाणा सहित पूरे भारत के वीर कश्मीर की हिफाजत के लिए, वहां के नागरिकों की जिंदगी बचाने के लिए अपने आप को बलिदान देते रहे, शहीद होते रहे। बेटियां, दलित समाज, वंचित समाज, शोषित समाज, आदिवासी समाज, गुजर बकरवाल, पहाड़ी, ये सारे के सारे लोग बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया था, उस संविधान के हक से भी वंचित रह गए। 70 साल हो गए बाबा साहब अंबेडकर का संविधान वहां लागू नहीं हो पाया। आज जब भाजपा की सरकार ने इन बंधनों से मुक्ति, इस अन्याय से मुक्ति, इस जुल्म से मुक्ति की तरफ एक सार्थक कदम उठाया है, तो कांग्रेस के नेता उसके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, मोर्चे बंद कर रही है। और कांग्रेस के साथी भी ऐसे ही है। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर हमसे दूर नहीं है। दिल्ली में सोई हुई सरकार ने एक के बाद एक कश्मीर की हालत कैसे बिगाड़ती चली गई। प्रारंभ के दिनों में
पाकिस्तान की मदद से हमारा कुछ हिस्सा छीन लिया गया, पीओके बन गया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया। उसके कुछ सालों के बाद योजनाबद्ध तरीके से भारत जिसका गौरवगान करता है, दुनिया को सही रास्ते पर ले जाने के लिए जो परंपराएं हमारे यहां विकसित हुई, और कश्मीर जिसके लिए जाना जाता था सूफी परंपरा, बड़ी चतुराई से, चालाकी से, दमन से पहले सूफी परंपरा का खात्मा कर दिया गया, सूफी सोच को दफना दिया गया। एक के बाद एक कदम, पहले कुछ हिस्सा पाकिस्तान के हवाले कर दिया, सोते रहे, फिर सूफी परंपरा को मार करके, दफना करके कश्मीर की जड़ों को हिला दिया गया। कश्मीर की जड़ों में सूफी परंपरा थी, जो एकता का, भाईचारे का, सद्भाव का, संभाव का संदेश देती थी, उसे तबाह कर दिया गया। और धीरे धीरे और कदम आगे बढ़ते चले गए, फिर भी दिल्ली के अंदर बैठे हुए राजनेताओं को इतना बड़ा जुल्म हो रहा है वो दिखाई नहीं दिया। उनको तो लगा कि एक दो परिवारों को संभालो कश्मीर संभल जाएगा, एक दो परिवारों को जो चाहे करने दो कश्मीर संभल जाएगा, एक दो परिवारों को मनमानी करने दो, लूटना है तो लूटने दो, जनता की बर्बादी होती है तो होने दो, कश्मीर संभल जाएगा, यही कारनामे चलते रहे। फिर एक साल ऐसा भी आया, पहले कुछ हिस्सा गया, फिर सूफी परंपरा गई, फिर जम्मू के साथ, लद्दाख के साथ भेदभाव का सिलसिला चलाया गया, लगातार जम्मू के साथ अन्याय, लगातार लद्दाख के साथ अन्याय, लगातार करगिल के साथ अन्याय, भेद रेखाएं खींची गई, समाज को बिखराव की तरफ धकेल दिया गया। फिर एक चाल चली गई और उस चाल के तहत वो तबका आया जब कश्मीर की धरती से 4 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों के परिवारों को मौत के घाट उतारना, बेटियों पे बलात्कार करना, उनको कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। एक के बाद एक कदम देखिए, और फिर बम बंदूक और पिस्तौल के जोर पर पाकिस्तान से भेजे गए टेररिस्टों के बल पर, अलगाववाद के नाम पर, और हर बार धारा 370 दिखा दिखा करके दिल्ली को भी डराया गया, देश की एकता और अखंडता के ऊपर खतरा है, ऐसा माहौल बना दिया गया। और दिल्ली में बैठे हुए लोग सब कुछ आंख मूंद करके बैठे रहे, कश्मीर तबाह होता चला गया। टेररिस्ट तय करते थे, अलगाववादी तय करते थे, सोमवार को क्या होगा, मंगलवार को क्या होगा, जनवरी में क्या होगा, फरवरी में क्या होगा, अक्टूबर में क्या होगा, नवंबर में क्या होगा, सारा कैलेंडर आतंकवादी तय करते थे, अलगाववादी तय करते थे, देश के दुश्मन पड़ोस में से इशारा करते थे, और यहां पर नाचने वाले खेल खेलते थे भाइयों, ये सब चलता रहा। और
देश के वीर जवान शहीद होते रहे, तिरंगे झंडे को जूतों के नीचे रौंद दिया जाता था, तिरंगे झंडे को आग लगा दी जाती थी और सब कुछ चल रहा था। आप मुझे बताइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या ऐसे ही चलने देना चाहिए? क्या पूरी ताकत से बताइए, क्या ऐसे ही चलने देना चाहिए? क्या क्या दिल्ली की गद्दी संभालने के लिए कश्मीर को तबाह होने देना चाहिए? क्या क्या कश्मीर ज्यादा प्यारा होना चाहिए कि प्रधानमंत्री का पद ज्यादा प्यारा होना चाहिए? हर हिंदुस्तानी का एक ही जवाब होता है, अरे प्रधानमंत्री के पद तो आते हैं जाते हैं, मेरा कश्मीर रहना चाहिए, मेरी कश्मीर के लोग रहने चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, और इसलिए अब कैलेंडर वो तय नहीं करेंगे, दुश्मन देश में से तारीखें तय नहीं होगी, अब तारीखें हिंदुस्तान तय करेगा। हम नीतियां हिंदुस्तान बनाएगा, नीतियां कश्मीर के लोग बनाएंगे, दुश्मन देशों में बैठे हुए लोग भारत का भाग्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं। वो वक्त चला गया, देश बदल चुका है। और इसलिए भाइयों बहनों, कांग्रेस की गलत नीति और रणनीति ने देश को तबाह करके रख दिया, और तब जाकर के संविधान में बाबा साहब आंबेडकर ने जिसे टेम्पररी कहा था, टेम्पररी, भाई मुझे बताइए टेम्पररी कितने साल रहता है? दो महीने, चार महीने, साल, दो साल, 70 साल हो गया और टेम्पररी लगा हुआ है जी। और जब टेम्पररी लगता है ना, टेम्पररी, तो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पैदा होता है। आप कहीं पर मानो नौकरी पे लगे हैं और आपको ऑर्डर दिया गया है, ये आपका टेम्पररी जॉब है, तो आपका मन क्या करेगा, यार यहां परमानेंट होंगे कि नहीं होंगे, ऐसा करो कहीं और तलाशते हैं, परमानेंट मिल जाए। तो आपका दिमाग जहां टेम्पररी है वहां मन ही नहीं लगेगा, आप उस और खोजते रहेंगे। आप कहीं किराए का मकान लो और उस वो मकान वाला कहे कि देखिए 11 महीने के लिए दिया जा रहा है, ये टेम्पररी व्यवस्था है, तो मकान लेने वाला भी सोचेगा कि भाई ये तो 11 महीने के बाद खाली करना पड़ेगा, चलो दूसरा खोज करके रखते हैं। ये टेम्पररी से अलगाव, इसके बीज मजबूत हो जाते हैं। मन करता है ये तो टेम्पररी है, चलो कहीं परमानेंट तलाश लें, और 70 साल तक कश्मीर के लोगों को आपने टेम्पररी साइकोलॉजी के द्वारा परमानेंट की ओर जाने के लिए, अलगाववाद की ओर जाने के लिए रास्ता दिखाया था। और इसलिए भाइयों बहनों, मैंने टेम्पररी खत्म कर दिया है। और जब आपने मुझे दोबारा 5 साल के लिए परमानेंट बना दिया, तो फिर मैं टेम्पररी क्यों चलने दूंगा?
मुझे बताइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं हरियाणा के उत्तरी छोर में खड़ा हूं। आज पूरा हरियाणा, पूरा हिंदुस्तान कंधे से कंधा मिलाकर के मोदी के निर्णय के साथ खड़ा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से मुझे बताइए, क्या मेरा निर्णय सही है? क्या 370 हटाना सही है? 35A हटाना सही है? कश्मीर से टेम्पररी की ताकत खत्म करना सही है? अगर आप इसे सही मानते हैं तो मुझे मजबूती मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपके आशीर्वाद मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? आपकी ताकत मेरे काम आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, इतना बड़ा फैसला कैसे हुआ? 70 साल तक कोई नहीं कर पाया। बहुमत तो उनको भी मिला था, सरकारें उनके पास भी थी, क्यों नहीं कर पाए? आज क्यों हुआ इतना बड़ा निर्णय? आज क्यों हुआ? क्या कारण? क्या कारण? इतना बड़ा निर्णय क्यों हुआ? क्या कारण से हुआ? जी नहीं, ये मोदी के कारण नहीं हुआ है। आपका जवाब गलत है, ये आपके कारण हुआ है, क्योंकि आपने वोट देकर के मुझे फिर से देश की सेवा करने का मौका दिया है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये संभव हुआ है। और इसलिए मैं कहने आया हूं, एक बार फिर से लोकसभा से भी ज्यादा ताकत से हरियाणा में मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। आपके सारे सपने पूरे करने के लिए मैं लगा रहूंगा। भाइयों बहनों, कांग्रेस की गलत नीति और रणनीति का भुगतान हमारे हरियाणा के और देश के जवानों ने किया और मेरा किसान भी कर रहा है। हमारे हक का पानी हमारे काम आ सके, इसके लिए 70 सालों में कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया। हमारी नदियों से हमारे हिस्से का पानी बह करके पाकिस्तान जाता रहा और हमारी सरकारें देखती रही, पानी है जाता है, पानी है जाता है। आप मुझे बताइए भाई, जिस पानी पर आपका हक है वो पानी पाकिस्तान जाने देना चाहिए क्या? वो पानी आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यहां का किसान तरसता रहे, यहां का खेत सूखा रहे और पाकिस्तान हरा भरा रहे, ये कैसे हो सकता है जी? ये पानी पर आपका हक है और मैं एक बूंद पानी जो आपका हक का है वो अब पाकिस्तान में नहीं जाने दूंगा। लेकिन पता नहीं कांग्रेस को किससे इतना डर लगता था कि अपनी नदियों उस पर हमारे जरूरत भर के डैम तक नहीं बना पाए। साथियों, सिरसा पर तो कभी सरस्वती नदी की भी कृपा रही है। सरस्वती कभी यहीं से बहा करती थी और गुजरात तक आती थी,
मुझे खुशी है कि मां सरस्वती को पुनर्जीवित करने का एक संकल्प हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने भी लिया है। ये दिखाता है कि हमारी धरोहर और हमारे किसानों की पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भाजपा सरकार कितने बड़े स्तर पर काम कर रही है। बीते 5 वर्षों में इन प्रयासों का असर भी हुआ है। हरियाणा में सिंचाई की सुविधा के व्यापक सुधार करने का प्रयास हुआ है, लेकिन आने वाले 5 वर्षों में हम हरियाणा को, भारत को सूखा मुक्त, जल युक्त बनाने के लिए जल जीवन मिशन लेकर के आगे आए हैं। मैंने लोकसभा चुनाव के दौरान आपको कहा था कि सरकार बनते ही पानी के लिए, पहले की सरकारों को पानी का महत्व नहीं था, मैं जानता हूं पानी के लिए हमारी माताओं बहनों को कितनी दिक्कत झेलनी पड़ती है, मैं जानता हूं पानी के लिए मेरे किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और इसलिए हमने सरकार बनाते ही पानी का एक अलग मंत्रालय बना दिया, अलग मिनिस्ट्री, वो सिर्फ पानी पे काम करेगी। और भारत के इतिहास में पहली बार सिर्फ पानी के लिए अलग मंत्रालय बना दिया गया है, और सिर्फ मंत्रालय ही नहीं बनाया बल्कि हर घर तक जल पहुंचाने के लिए आने वाले 5 वर्षों में, जरा याद रखना मैं बताता हूं, आने वाले 5 वर्षों में पानी के लिए किसान को पानी मिले, माताओं बहनों को घर तक पानी मिले, इसके लिए 3.5 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। 3.5 लाख करोड़ रुपया। और मुझे विश्वास है कि आने वाले 5 सालों में सिरसा के, हरियाणा के आप सभी साथियों के सहयोग से ये संकल्प भी पूरा होकर के रहेगा। भाइयों और बहनों, भाजपा की सरकार खेती और किसानी से जुड़ी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में जुटी है। साल 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के संकल्प को सिद्ध करने के लिए हम निकले हैं। इसके लिए एक साथ कई स्तरों पर काम किया जा रहा है। सिरसा के हमारे किसान परिवारों के बैंक खाते में करोड़ों रुपए जमा हो चुके हैं। यहां के अनेक किसान परिवारों को इस वर्ष प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से करोड़ों रुपयों की मदद आपको मिल चुकी है। करीब 2 दर्जन फसलों का समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना पहली बार तय किया गया है। इसी तरह किसान क्रेडिट कार्ड के ऋण लेना अब आसान हुआ है। यहां तक कि पशुपालकों को भी अब ये सुविधा मिल रही है। पशुपालकों को अपने कीमती पशुओं की बीमारी से नुकसान ना हो, उसको आर्थिक परेशानी ना हो, इसके लिए मुफ्त टीकाकरण का बहुत बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। छोटे किसानों, खेत मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों, दुकानदारों के लिए 60 वर्ष के बाद 3000 रुपये की पेंशन भी तय हो चुकी है। अब बुढ़ापे में किसी के पास हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। साथियों, हर स्तर पर भाजपा की सरकार किसानों के हित में कदम उठा रही है। विशेष तौर पर हमारे युवा साथियों को घर के पास ही रोजगार मिले, इसके लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।
हरियाणा की भाजपा सरकार ने तो सरकारी नौकरियों में होने वाली बंदरबांट पर ताला लगा दिया है। जो भाजपा का घोर विरोधी भी है वो भी आज मान रहा है इस सरकार के कारण सामान्य से सामान्य युवा के घर भी नौकरी का नियुक्ति पत्र पहुंच रहा है। पहले कोई विधवा मां जिंदगी भर मेहनत करके अपने बेटे बेटी की पढ़ाई करवाती थी और सोचती थी कि पढ़ लिख करके बेटे बेटी को कहीं नौकरी मिल जाएगी, लेकिन जब पढ़ाई पूरी होती थी तो पता चलता था कि बिना लेती देती नौकरी नहीं मिलती है। बिना सिफारिश को बड़े बड़े नेताओं के अगल बगल में पहुंचे बिना नौकरी नहीं मिलती है। आप मुझे बताइए, हरियाणा में यही खेल चलता था ना? यही खेल चलता था ना? युवकों से के साथ अन्याय होता था कि नहीं होता था? गरीब बेटे बेटियों पर अन्याय होता था कि नहीं होता था? अगर आपका हक है तो आपको नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? फिर खर्ची काहे को, पर्ची काहे को भाई? ये खर्ची और पर्ची ये हरियाणा में हमेशा ताला लगा दिया हमने दोस्तों। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और जिसका साक्षी मेरा हरियाणा बना है। इतना ही नहीं, हरियाणा की मनोहर सरकार की सक्षम युवा योजना, आज उसकी भी बहुत चर्चा है। इसके तहत भी हजारों युवा साथियों को अलग अलग विभागों में तैनात किया गया है। भाई और बहनों, हमारी युवा शक्ति ही भारत की ताकत है। इस युवा शक्ति पर पूरी दुनिया की नजर है। केंद्र हो या फिर हरियाणा की भाजपा सरकार, युवाओं के कौशल विकास पर हमारा विशेष बल है। हमारी कोशिश है कि देश के लिए तो युवाओं को तैयार करना ही है, दुनिया के लिए भी हम युवा टैलेंट बना रहे हैं। हमारे युवा साथी देश विदेश में अपनी प्रतिभा को दम पर खुद का, अपने परिवार का, हरियाणा का और देश का मान बढ़ाए, ये कोशिश हम कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, सिरसा के सुरमा तो खेल से लेकर सरहद तक भारत की शान और सुरक्षा में अपना खून पसीना बहाते आए हैं। यहां की ये पहचान और सशक्त होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए हमारे युवा साथियों को अपनी फिटनेस पर बहुत ध्यान देना होगा। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को पूरे देश के लिए प्रेरणा बना दिया। अब फिट इंडिया अभियान को सफल बनाने का दायित्व भी मैं विशेष रूप से हरियाणा के नौजवानों को देना चाहता हूं, क्योंकि मेरा आप पर भरोसा है, आप देश को दिशा दिखा सकते हैं। यहां के युवा साथियों से मेरा आग्रह है कि इस अभियान से ज्यादा संख्या में जुटें। साथियों, नशे की जो लत है उससे हम सभी को मिलकर लड़ना है। ये सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को, पूरे समाज को, पूरे देश को बर्बाद कर देती है। और हमारे पड़ोस में अगर टेररिस्टों को भेज करके काम नहीं चलता है, शस्त्रों को भेज करके काम नहीं चलता है, तो आजकल उन्होंने नशीली चीजें हिंदुस्तान में चोरी छिपी से पहुंचाना और मेरे देश के युवा धन को बर्बाद करने का षड्यंत्र चलाया हुआ है। पड़ोसी देश से नशे की जो खेप यहां चोरी छिपे पहुंचती है
उससे हमें वैसे ही निपटना है जैसे हम आतंकवादियों से हमारे नौजवान सीने पर गोलियां झेलते झेलते उनको पहुंचा देते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, सीमा की भी रक्षा करनी है, आतंकवादियों को भी सफाया करना है और मेरे देश की युवा पीढ़ी को भी बचाना है। हमारी युवा पीढ़ी को नशे की लेप में धकेलने की बहुत बड़ी साजिश देश के खिलाफ हमारे दुश्मन रटते रहे हैं, इसको हमें पूरी शक्ति से नाकाम करना है। साथियों, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को बांटना, उनका फायदा उठाना कांग्रेस और उसके जैसे दलों की पुरानी आदत रही है। इन लोगों ने हरियाणा के साथ भी यही किया है। कांग्रेस के किसी परिवार को अगर जमीन चाहिए तो हरियाणा, कांग्रेस के किसी परिवार को जमीन का ठेका लेना है तो हरियाणा से, अरे कांग्रेस के किसी दामाद को अगर जमीन चाहिए तो हरियाणा से। इन लोगों ने, कांग्रेस ने तो ये हमारे हरियाणा को, ये हमारे किसानों की जिंदगी को, जिस धरती को पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पसीने से सुजलाम सुफलाम बनाया, उस धरती को ये हरियाणा के शासकों ने, कांग्रेस ने और दलों ने एक प्रकार से खुद का चारागाह बना दिया था, चारागाह बना दिया था। यहां की जमीन, यहां की कमाई को कांग्रेस ने जम करके लूटा है। ये सच्चाई जब अब आप जान भी चुके हैं, पहचान भी चुके हैं, हरियाणा के विकास के लिए आपकी ये सतर्कता बहुत जरूरी है। भाइयों और बहनों, बीते 5 वर्ष में सिरसा और हरियाणा के लिए हर क्षेत्र में प्रशंसनीय काम यहां की सरकार ने किए हैं। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी द्वेष के, सबके लिए सबके साथ से यहां विकास हुआ है। यहां से तो अधिकतर प्रतिनिधि विरोधी दलों के थे, फिर भी भाजपा सरकार ने विकास के काम में पक्षपात नहीं किया, क्योंकि हमारा ना तो स्वभाव है और न ही ये हमारे संस्कार है। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। हम गुरु के इस अमर संदेश को मानने वाले लोग हैं और इसलिए हमारे लिए आप सब हमारे हैं, आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, आप ही मेरा परिवार है। जब मां भारती की बेटे बेटियां हैं, साथियों, आज यहां के भाजपा कार्यकर्ताओं से भी मैं कहना चाहता हूं, आप बहुत प्रशंसनीय काम कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि मैंने इस क्षेत्र में काम किया है। पहले हमें कितनी मुसीबतें होती थी वो मैंने खुद ने झेली है, इस धरती पर रहकर के झेली है और आज वहां से यहां तक पहुंचाने में आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है, बड़ा परिश्रम किया है, आप अभिनंदन के अधिकारी हैं। यहां की जनता का भी मैं अभिनंदन करता हूं कि आपने हम पर भरोसा किया है, हम पे विश्वास किया है और हमने आपके विश्वास पर खरे उतरने में जरा भी कोताही नहीं की है, जरा भी कमी नहीं रखी है। ये मेरे लिए संतोष का विषय है। आपके प्रयासों के कारण ही सिरसा की जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है। सिरसा ये समझ चुका है कि वो सिर्फ अतीत पर चुनाव लड़ रहे हैं,
उनको आप जानते हो, बीते दिनों की बातें बताते हैं, आज तो उनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। और ये भारतीय जनता पार्टी है जो वर्तमान की धरातल पर भविष्य की बात लेकर के आपके पास आई है। बात जो लोग इस इलाके को अपना किला मानते थे, क्या हुआ भाई, अंदर अंदर भीड़ गए क्या? ये सिद्धांतों की लड़ाई है, ये सिद्धांतों की लड़ाई है, ये सिद्धांतों की नहीं लड़ाई। ये कुनबा इसलिए लड़ रहा है कि मलाई बांटने का झगड़ा हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं मलाई कितनी होगी जिसको बांटने के लिए एक ही परिवार के संतान आमने सामने आ गए हैं जी। अब उनको छुट्टी दे दो, हमेशा हमेशा छुट्टी दे दो, और उनको कहो ये जितना माल इकट्ठा किया है पहले परिवार में बांटने का पूरा करो, बहुत हो गया, हम नया लूटने नहीं देंगे। मेरी बात मानोगे? दोनों हाथ ऊपर करके बताओ, मानोगे? अब हमेशा हमेशा ये लूटने वालों को भेजो घर। भाइयों बहनों, ये वो लोग हैं जो विरासत का सहारा लेकर के चल पड़े हैं। हम विरासत की महत्व तो समझते हैं, लेकिन हम विकास और जनविश्वास की पूंजी लेकर के आए हैं। कुछ महीने पहले लोकसभा का चुनाव में भाजपा के एक एक कार्यकर्ता ने जो जज्बा दिखाया है, यहां की जनता ने जो विश्वास जताया है, और परिणाम है कि सिरसा में आज पूरी शक्ति से कमल खिल रहा है। भाइयों बहनों, हमें सिर्फ कमल का फूल याद रखना है, हमें सिर्फ हमारा मिशन याद रखना है। मोदी आपके पास सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल लेकर के आया है, इस कमल के फूल को आशीर्वाद देना है। ये मोदी का नाम किसी के लिए नहीं है, ये मोदी का नाम सिर्फ फूल के लिए है। हमारे लिए व्यक्ति से बड़ा दल है और दल से बड़ा देश है जी। इसी मंत्र पर चलते हुए हमें 21 अक्टूबर को पूरी ताकत लगानी है। 21 अक्टूबर को क्या है, 21 अक्टूबर को क्या है, अरे जरा जोर से बताइए ना, 21 अक्टूबर को क्या है, 21 अक्टूबर को क्या है, अरे 21 अक्टूबर को सोमवार है। और रविवार के बाद जब सोमवार आता है और सोमवार को जब चुनाव होता है तो दो दिन की छुट्टी मिल जाती है, रविवार की छुट्टी और सोमवार की छुट्टी। तो फिर मन करता है, अब दो दिन की छुट्टी आई है, चलो जरा मामा के घर थोड़ा काम है हो आते हैं, चलो बेटा हॉस्टल में पढ़ता है जरा वहां हो आते हैं, चलो खेत के लिए औजार खरीदना है तो जरा रोहतक हो आते हैं, चंडीगढ़ हो आते हैं। मन करता है ये चुनाव के लिए जो छुट्टी मिली है वो घर के काम के लिए लगा दें। भाइयों बहनों, ऐसा नहीं करना है। आप तय करिए, मुझे वादा कीजिए, 21 अक्टूबर को छुट्टी है फिर भी छुट्टी नहीं मनाएंगे, लोकतंत्र का पर्व मनाएंगे, चुनाव में जी जान से जुटेंगे, घर घर जाएंगे, मतदाताओं को ले जाएंगे, मतदान करवाएंगे और पहले से भी भारी बहुमत से
भाजपा का कमल खिलाएंगे। लोकसभा से भी रिकॉर्ड मतदान करना है हमें, करेंगे। दोनों हाथ ऊपर करके बताएं, करेंगे। घर घर जाएंगे, मतदान ज्यादा से ज्यादा करवाएंगे, कमल के फूल पर बटन दबवाएंगे। आपका ये विश्वास, आपका ये उत्साह, भाइयों बहनों, आज चुनाव प्रचार अभियान का आखिरी दिन है। इसके बाद मैं रेवाड़ी जाऊंगा और मैंने प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जब उम्मीदवार घोषित किया तो पहला सर मैंने रेवाड़ी की धरती पर नमन किया था और आज मैं हरियाणा के चुनाव का आखिरी प्रचार सभा भी रेवाड़ी करने जा रहा हूं। इधर सिरसा, उधर रेवाड़ी, पूरे हरियाणा बीच में। आपका प्यार, उमंग, उत्साह, सब कुछ हमारे साथ है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप इतनी बड़ी तादाद में आकर के आशीर्वाद दिए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं।